नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन, दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको बताना है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, आर एस गुड, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा, सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिएगा, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है उजनी डैम किस राज्य में स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उजनी डैम किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में डी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा। उजनी डैम, इसे भीमा बांध के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा, उजनी डैम या भीमा बांध एक ही बात है, ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, किस नदी पर है, भीमा नदी पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उजनी डैम किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखिएगा भीमा नदी पर है, किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, और इसे भीमा बांध के नाम से भी जाना जाता है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में। इसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है फ्लोरीन पर फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 9, यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। फ्लोरीन को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में कि फ्लोरीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है 9 होता है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी, ये ऑप्शन है आपके,
ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। डेली सुबह 7 बजे आपका लाइव सेशन होता है स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो डेली सभी लोग लाइव ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सोन गंगा की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। बताइए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, 1920, 1919, 1922 या फिर 1925। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1920 ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इससे आप लोग याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन इसका नेतृत्व किसने किया था, आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किया था। कब शुरू हुआ था ये आंदोलन, 1920 में हुआ था, इतना आप लोग याद रखिएगा, 1920 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए, मथुरा में, सिंगरौली में, नरोरा में, अलीगढ़ में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नरोरा में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। सी सही होगा इसका आंसर, नरोरा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च या फिर 25 अप्रैल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 जनवरी को। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, और इसे भी याद रखिए, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। सभी लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षक दृष्टि से पूछा जा सकता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइएगा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा,
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ा विश्व में कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा है। ये कहाँ स्थित है? भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, और भारत बांग्लादेश में स्थित है। किन नदियों पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे नदियों पर बना डेल्टा है बड़ा। इसे आप लोग याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। किन नदियों से बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है। भारत बांग्लादेश में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, तमिलनाडु। इसे आप लोग याद रखिएगा, कारागम एक धार्मिक लोक नृत्य है और ये मुख्यतः तमिलनाडु संबंधित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिए, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा, SRS। अभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, रेडॉन ये एक नोबल गैस है और ये वायु में नहीं पाई जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, रेडॉन करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी लोग इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लोथल, धौलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोथल। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। लोथल कहाँ पर है वर्तमान में? गुजरात में है। सभी लोग इसे भी याद रखिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, सभी ने इस पर करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी करेक्ट आंसर है इस पर। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? सभी इसका आंसर करिएगा।
आपको बताना है राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, सांबल लेक, चिल्का लेक, वारा पानी, डल लेक। ये ऑप्शन है आपके, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सांबर लेक। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सांबर लेक। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। और ये खारे पानी की झील है, सभी लोग याद रखिएगा, खारे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तंजानिया, ईरान, जापान, म्यांमार। ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जापान। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, जापान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और जापान की राजधानी टोक्यो। आप लोग याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। जापान की मुद्रा जापानी येन है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ओसाका जापान का एक नगर है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है ये जो सोंडोल डांस है, सोंडोल नृत्य कहाँ का फोक डांस है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लद्दाख बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, सोनडोल निरत लद्दाख का फोक डांस है, बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, यस आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, किसने अपनी राजधानी अहमदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मीर कासिम, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, सभी इसका आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गैलीलियो गैलीली। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था, डी करेक्ट आंसर होगा आपका, यही आपसे पूछा गया था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका,
यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए किसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हीमोफीलिया, मधुमेह, ग्लूकोमा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है किसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हीमोफीलिया। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग इसे याद रखिएगा, 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए म्यांमार की करेंसी क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए म्यांमार की करेंसी का नाम क्या है, यह आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए म्यांमार की करेंसी का नाम क्या है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्यात। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, म्यांमार की करेंसी क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए स्वर कोकला किसे कहा जाता है। भारत में किसको स्वर कोकला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सरोनी नायडू, लता मंगेशकर, अनीता रानी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लता मंगेशकर। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, लता मंगेशकर को भारत में स्वर कोकला के नाम से जाना जाता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए भारत की कोकला किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये अलग क्वेश्चन है, और ये कहा जाता है सरोनी नायडू को। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के बारे में सभी लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। गुड मॉर्निंग सभी को। 12 अगस्त, 12 जनवरी, 2 दिसंबर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 दिसंबर को। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कई बार मैंने आपको बताया है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो तीनों ऑप्शन के बारे में आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हीमोग्लोबिन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग लाल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर कैस का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी है इसमें से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी होती है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, चांदी। ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिलिकॉन। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, बी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी होती है? सिलिकॉन होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 को ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। बताइए पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? यह बताना है आपको। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, जल्दी से आंसर करिएगा। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपकी भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। बताइए पानी का अधिकतम घनत्व होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिए। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए अनंतनाग झील कहाँ स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनंतनाग लेक कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है अनंतनाग लेक कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्मू कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है अनंतनाग झील, तो बी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है डल लेक कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा, डल लेक भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुलन लेक भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, सभी लोग इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्रिकेट द्रौड़ नामक पुस्तक किसने लिखी है? किस कोच पर आधारित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, क्रिकेट द्रौड़ नामक पुस्तक इनमें से किस कोच पर आधारित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिएगा जल्दी से, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोजन हीलियम। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम के बने होते हैं, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 26 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए।
बताइए टीबिया नामक हड्डी मनुष्य में कहां पर होती है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टीबिया नामक हड्डी मनुष्य में कहां पर होती है? टांग में, ब्रेन में, हाथ में या फिर हृदय के अंदर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पैर में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 27 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, पैर करेक्ट आंसर होगा। जो टीबिया नामक हड्डी है ये मनुष्य के पैर में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा फीमर। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है ये भी पैर में होती है मनुष्य के, आप लोग याद रखिएगा। और सबसे छोटी हड्डी उसे स्टेपिस बोला जाता है और ये मनुष्य के कान में होती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के बारे में सभी लोग याद रखिएगा। यस, जो फीमर है ये मनुष्य के जांग में होती है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो फिर से पूछ सकते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा, 28 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए वॉशिंगटन सुंदर किस खेल से संबंधित है? सभी लोग जल्दी से बताइएगा। बताइए वॉशिंगटन सुंदर किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या फिर क्रिकेट? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। वॉशिंगटन सुंदर भारतीय पुरुष क्रिकेटर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा, हैप्पी लोहड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विदेशिया किस राज्य से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विदेशिया कहां से संबंधित डांस है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपको दिए गए, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये ऑप्शन हैं आपके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। विदेशिया बिहार से संबंधित है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसका प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। किसका प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पायरोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है, डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिएगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, लोकटक लेक कहाँ स्थित है? कई बार मैंने आपको बताया है, जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए लोकटक झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये ऑप्शन हैं आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा, मणिपुर में स्थित है लोकटक लेक, तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर होगा, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये भी आप लोग याद रखिए, सभी लोग याद रखिएगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए, ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन इस प्रकार है, बंकिम चंद चटर्जी, वाल्मीकि, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन नंबर डी है, हरवंश राय बच्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बंकिम चंद चटर्जी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी का राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा फोक डांस मुख्यतः तमिलनाडु संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कुम्मी। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, कुम्मी फोक डांस। ये मुख्यतः तमिलनाडु मनाया जाता है, सॉरी लोक नृत्य है ये, और कहां संबंधित है, तमिलनाडु संबंधित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया लगभग, इस बार आप सभी करेक्ट आंसर है, गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा, आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ही आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, एक तरफ आपको त्योहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, पढ़ लीजिएगा चारों ऑप्शंस को, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडम आंध्र प्रदेश। बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ओडम ये कहां संबंधित है, ये है केरल से संबंधित। कहां संबंधित है, केरल से संबंधित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, बीहू असम से संबंधित है, ओडम केरल से संबंधित है, पोंगल तमिलनाडु संबंधित है, बैसाखी पंजाब से संबंधित है। चारों ऑप्शन के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए लाख बक्स की उपाधि किसे दी गई थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए लाख बक्स की उपाधि किसको दी गई थी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, ये ऑप्शन है आपके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स की उपाधि सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आप लोग याद रखिएगा, गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश या मामलुक वंश एक ही बात है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट या जिंक फास्फाइड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक फास्फाइड का। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है
चूहा मारने के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 37 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है गाय के गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए गाय के गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोप्रोफिलस। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा गाय के गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा। 37 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए, बताइए सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। डी या ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉलर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर होगा सी करेक्ट आंसर है इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए तवा डैम किस राज्य में स्थित है। जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए तवा बांध किस राज्य में स्थित है। इसका आपको आंसर देना है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन है आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में। यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये जो तवा बांध है आपसे पूछ सकते हैं किस नदी पर है, तो ये तवा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए कल्याणी स्टेडियम कहाँ स्थित है। जल्दी से आंसर करिए, बताइए कल्याणी स्टेडियम कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए कल्याणी स्टेडियम कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कल्याणी स्टेडियम पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भागीरथी अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवप्रयाग में। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा भागीरथी अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पूछ सकते हैं आपसे देवप्रयाग कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। सभी लोग याद रखिएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन आपको दिए गए, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त सचिव, मुख्य कैबिनेट सचिव, भारत के प्रधानमंत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्रीय वित्त सचिव। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। क्या होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, केंद्रीय वित्त मंत्री करेक्ट आंसर होगा। ये जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 43 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। इसका आंसर करिएगा, 43 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, के। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा। पूछ सकते हैं आपसे, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, कैलियम पोटेशियम का लैटिन नेम होता है, इसीलिए पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए पारसेक क्या मापने की इकाई है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए पारसेक क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खगोली दूरी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, पारसेक खगोली दूरी मापने की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी से आंसर करिए। बताइए न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा इसका। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एनी बेसेंट। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका, एनी बेसेंट। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग याद रखिएगा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सूरत किस नदी किनारे स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए सूरत किस नदी किनारे स्थित है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा, साबरमती, माही, ताप्ती, ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ताप्ती या तापी, एक ही बात है। सूरत ताप्ती नदी किनारे स्थित है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सूरत गुजरात का शहर है, गुजरात में स्थित है, आप लोग भी जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, दमिश्कस कहाँ की राजधानी है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए दमिश्कस कहाँ की राजधानी है? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दमिश्कस कहाँ की राजधानी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीरिया की, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, सीरिया की राजधानी दमिश्कस है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयदेव। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी के राइट आंसर है।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। सभी जल्दी से बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1764 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में हुआ था, सी करेक्ट आंसर होगा, इसलिए सभी लोग इसे याद रखिएगा। इतिहास में युद्ध से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग इसे पढ़िएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए पास्कल किसका मात्रक है, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए पास्कल किसका मात्रक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाब का। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, पास्कल दाब का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, सबसे लचीला संविधान किसका माना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किस देश का सबसे लचीला संविधान माना जाता है, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, रसिया, ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटेन का। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ब्रिटेन का। यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, यूएसए भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटेन का सबसे लचीला संविधान माना जाता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। और जो ब्रिटेन का संविधान है ये अलिखित संविधान है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आप लोग याद रखिएगा अपने देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व में, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, CNN का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी इसका आंसर करिए, बताइए CNN का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केबल न्यूज नेटवर्क। यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग याद रखिएगा CNN का फुल फॉर्म होता है केबल न्यूज नेटवर्क, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बताइए खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 9, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 54 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए प्रज्ञा पुरस्कार किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस ये वाली डेली अब सुबह 7 बजे क्लास होती है आपकी, डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है ये वाली, अभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंदी, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, प्रज्ञा पुरस्कार हिंदी में भाषा, हिंदी भाषा में लिखी
पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्न में से कौन सा एसिड भोजन के पाचन में सहायक होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डी होगा, सॉरी डी होगा इसका राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है ये आमाशय में होता है और ये भोजन के पाचन में सहायक होता है, डी करेक्ट आंसर होगा, HCl, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, HCl करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स बेबेज को, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसका आंसर करिए 57 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉटिल के नाम से किसे जाना जाता है, सभी इसका आंसर करिएगा। अभी आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल 60 क्वेश्चन है आज की क्लास में, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉटिल के नाम से किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चाणक्य को, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, चाणक्य को कॉटिल के नाम से जाना जाता है, इसके साथ ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इन्होंने आप लोग याद रखिएगा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी की है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए कांसा क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए कांसा क्या है, धातु, गैस, मिश्र धातु, ननोपदी, जिनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्र धातु, यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा, कांसा एक मिश्र धातु है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आंसर करिएगा, बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है, क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आंसर करिए, बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्यूमिनियम का, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए मरुस्थल में कैसी मिट्टी पाई जाती है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए मरुस्थल में कैसी मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बालू रेत, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, मरुस्थल में बालू रेत मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन थे जीके के विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 7 बजे आपकी ये वाली क्लास होती है, डेली सुबह 7 बजे, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।